और अपने हल्का हमने सारा रैप उतार दिया है, देख रहे हो ना, अब कैसी शाइन लग रही है, लेकिन रैप के बिना ना ये बहुत गंदी लग रही है। और इसकी हालत चेक कर लो भाई। ओहो गाइस ये चेक करो भाई, इसकी हालत देखो क्या हुई है, देख रहे हो, ये देखो। सो हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस चेक करो, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम केटीएम के सर्विस सेंटर से। आज का अब्रार राइडर भी कैसे भाई, और यहाँ पे लगी अपनी S2। गाइस मैं आपको बता दूँ कि हम केटीएम के सर्विस सेंटर क्यों आए हुए हैं, क्योंकि ये लगी अपनी बिल्लो रानी, देख रहे हो ना, तो इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल खत्म हो गया है भाई, दिख भी नहीं रहा है, मतलब इसमें ना बिल्कुल नहीं दिख रहा है इंजन ऑयल है कि नहीं है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो, इतनी हाइट पे अगर बाइक को लाते हैं पता चल जाता है भाई इंजन ऑयल है कि नहीं, इतना करके भी इसको इंजन ऑयल नहीं दिख रहा है, तो इसकी सर्विस कराते हैं, नहीं तो इंजन सीज मार जाएगा। आपको पता है हमने इस पर कितना खर्चा किया हुआ है, तो अभी भाई बात कर रहे हैं अंदर, तो फिर देखते हैं क्या सीन रहता है, बताता हूँ मैं आपको। तो फाइनली गाइस अपनी केटीएम लग चुकी है सर्विस सेंटर के अंदर, तो ये चेक करो भाई अपनी बाइक कहाँ पर पहुँच चुकी है, देख रहे हो गाइस, अभी इसका इंजन ऑयल वगैरह निकलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्या हालत होगी, मेरे को दिख नहीं रहा था भाई, तो अब अभी इसकी सर्विस करते हैं पूरी, तो फिर लेके जाएंगे इसको भाई। अभी हमें कावासाकी भी जाना है, देखना क्या सीन रहेगा भाई, बाइक की लुक चेक करो यार, अभी इंजन ऑयल निकलने वाला है, तो आप देखो देखते हैं भाई उसकी क्या हालत हुई है। तो गाइस ये चेक करो भाई, यहाँ पर अपनी बाइक का खुल रहा है, देख रहे हो, गाइस ये चेक करो भाई, ओ इसकी हालत देखो क्या हुई है, देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो हालत, देख रहे हो उसकी क्या हुई है, चॉकलेट कलर हो गया है भाई, पूरा चॉकलेट कलर हो गया है, इतना सा निकला है गाइस, ये देख रहे हो ना, बस इतना सा निकला है भाई, कुछ भी नहीं है। अब रहा हाँ चॉकलेट खा ले, चॉकलेट चॉकलेट हाँ गाइस मैं इसको बोल रहा हूँ चॉकलेट खा ले भाई, खाली तेरे को फ्रिज में रखना है और कुछ नहीं करना है, सेट हो गए तो खा सकता है इसको, जल्दी ले चल, मैं तेरे लिए गाइस यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आ गए हमारे जानू भाई, गाइस ये चेक करो भाई यहाँ पे लगी है जानू भाई की बाइक, और रैप देख रहे हो कितना खतरनाक रैप किया हुआ है इस पे, ये देखो भाई पूरी लुक चेक करो बाइक की, क्या बात है भाई एक नंबर लग रही है। रुके थे हम केटीएम के सर्विस सेंटर तो सर्विस पे, तो तब तक जाते हैं हम, देखते हैं भाई अपने हल्का अपडेट ले लेते हैं थोड़ा सा कि उसको पूरा खोला है कि नहीं खोला है। तो जानू भाई भी आ गए, अर्जुन एक्स व्लॉग्स भी आ गए भाई, तो चलो भाई निकलते हैं भाई फुल पावर, गाइस चलते हैं कावासाकी, वहाँ पर अपनी बाइक का रैप वगैरह भी उतारना है भाई, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। गाइस आप कमेंट करके बताना, अगर आप कमेंट कर दोगे तो हम वही वाला रैप फिर से करवाएंगे भाई, क्योंकि वो हल्का रैप ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा तो रैप की वजह से हमारी बाइक को जानते हैं, तो बस आप कमेंट करके बताना हमें वही रैप करना चाहिए कि नया रैप करेंगे कोई। गाइस मैं यहाँ पे फ़ोटो भी दिखा दूँगा आपको, एक नया रैप भी आया हुआ है रेड हल्क, जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, तो वो भी अभी तक किसी ने नहीं करवाया है, अगर आप कमेंट कर दोगे तो हम वो वाला करवा लेंगे भाई। चलो सीधा चलते हैं कावासाकी, तो आपको मिलता हूँ मैं कावासाकी में। A few moments later. So finally guys, हम पहुंच चुके हैं कावासाकी जम्मू। गाइज यहाँ पे लगा देते हैं अपनी बाइक, और यहाँ पे चेक करो भाई यहाँ पे लगी हुई है जानू भाई की 10R, और ब्लैक पेंथर लगा है वहाँ पे अर्जुन भाई का, तो चलते हैं भाई अंदर। सो गाइज ये रहे हमारे अर्जुन एक्स व्लॉग्स, कैसे हो आप गाइज, यहाँ पे लगा हुआ है भाई अपना हल्क, और इसकी हालत चेक कर लो भाई। ओहो, और अपने हल्का हमने सारा रैप उतार दिया है, देख रहे हो ना, अब कैसी शाइन लग रही है, लेकिन रैप के बिना ना ये बहुत गंदी लग रही है, तो बस आप कमेंट करना हम फिर से इस पे रैप करा देंगे। तो देख रहे हो ना यार कैसी लग रही है अपनी बाइक, और ये देख रहे हो एक हैंडल है और दूसरा जो टेढ़ा था वो निकाल दिया हुआ है, और देखो क्या हालत हो गई है यार, इसको देखा नहीं जा रहा इस हालत में, आगे से भी हमने सारा रैप उतार दिया, इस साइड से भी हमने उतार दिया, तो कल इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से फुल पावर, तो बनाते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग, बस आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रे करना कि हमारा हल्क हमारे पास जल्दी से वापस आ जाए। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, पहुँच चुके हैं KTM के सर्विस सेंटर, तो अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है भाई, तो बाहर लगा दी है, तो इसका मतलब इन्होंने कर दी है सर्विस भाई, तो अभी देखते हैं भाई हमारा इंजन ऑयल दिखता है कि नहीं दिखता है, ये देख रहे हो अब दिखने लगा है भाई, इसमें पहले था ही नहीं कुछ, तो इसकी सर्विस वगैरह भी डन हो गई है, और अपने हल का काम भी शुरू हो जाएगा, तो देख रहे हो भाई कैसी चमक रही है अपनी बाइक यहाँ पर। तो अभी भाई आता है तो फिर देखते हैं वो गाड़ी में जाएगा या बाइक पर जाएगा, तो अगर वो गाड़ी में गया तो हम बाइक को ले कर घर चले जाएँगे भाई,
इसकी चैन भी यार चेंज करानी है, मैंने इनको चैन भी बोला था ठीक कराने के लिए, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे लगी हुई है अपनी बाइक और ये आगे यासर भाई अपनी स्कॉर्पियो लेके, तो अभी भाई भी आने वाला है तो अभी हम इनसे चाबी लेते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से फुल पावर। अपनी बाइक की सर्विस वगैरह हो चुकी है डन, तो अभी बचा है उसका ब्रेकिंग का काम, तो वो भी करवा देंगे भाई नेक्स्ट टाइम। तो अभी निकलते हैं भाई यहाँ से फुल पावर। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, तो चलो भाई चलते हैं सीधा घर के लिए। तो गाइस कमेंट करके बताना भाई हमें रैप कौन सा करना चाहिए अपने हल्क पे, वो भी बता देना। तो अपनी केटीएम की सर्विस भी हो चुकी है भाई, और यहाँ से देख रहे हो ना ट्रैफिक कितना सारा ट्रैफिक है भाई। सो गाइस चलो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कैसे अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।